स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। 1977 के इस मशहूर गाने के मुखड़े में चेहरे की जगह अगर अब स्मार्टफोन कहा जाए तो हो सकता है कई लोग बोल उठे, बिल्कुल सही। आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो शायद कई बार महसूस करते हों कि इसकी स्क्रीन से नजर ही नहीं हटती है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। आप भी तमाम लोगों को जानते होंगे जो फोन में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें कुछ और ख्याल ही नहीं रहता। ये दीवानगी करीब 1.5 दशक से जारी है। एप्पल के आईफोन की बिक्री की शुरुआत के साथ स्मार्टफोन क्रांति का आगाज हुआ। तब से ही स्मार्टफोन कनेक्ट करने यानी दुनिया से आपका रिश्ता जोड़े रखने, क्रिएट करने यानी रचना संसार को जीवंत बनाने और सीखने का बेहतरीन औजार बन गया है। तमाम लोगों के हाथों या जेब में स्मार्टफोन हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को कभी न कभी ये लगता है कि वो इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि स्मार्टफोन से हमारी नजर क्यों नहीं हटती। दुनिया जहान में इस हफ्ते इसी सवाल की पड़ताल। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, स्मार्टफोन। One time we had a guest lecture in my class and I went and sat in the audience. एक दिन मेरी क्लास में एक गेस्ट लेक्चरर आए और उन्हें सुनने के लिए मैं छात्रों के बीच बैठ गया। वहां मेरे बराबर में एक छात्र बैठा था। वो पूरे लेक्चर के दौरान अपने स्मार्टफोन में लगा रहा। वो या तो टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे रहा था या फिर फेसबुक देख रहा था। ये है हमारे पहले एक्सपर्ट लैरी रोजन। वो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। लैरी रोजन ने एक किताब लिखी है, द डिस्ट्रैक्ट माइंड, एंशिएंट ब्रेन्स इन हाईटेक वर्ल्ड। उनकी रिसर्च के केंद्र में तकनीक और उसका असर है। हम अपने फोन की तरफ कितना देखते हैं। लैरी रोजन ने 200 से ज्यादा छात्रों पर किए गए प्रयोग के आधार पर इस सवाल का जवाब खोजा। हम ये पता लगा रहे थे कि वो कितनी बार अपना फोन अनलॉक करते हैं और कितने मिनट तक फोन अनलॉक रहता है। हमें ये जानकर हैरानी हुई कि एक नौजवान एक दिन में औसतन 60 बार अपना फोन अनलॉक करता है और करीब 220 मिनट तक फोन अनलॉक रहता है, यानी 3.5 घंटे से भी ज्यादा, और इस दौरान 60 बार फोन का इस्तेमाल होता है। अगर आप हैरान हैं, तो रुकिए। लैरी रोजन कहते हैं कि इस बारे में हुए कुछ और अध्ययन बताते हैं कि ये संख्या कहीं ज्यादा है। वो बताते हैं कि शोध करने वालों को ऐसे लोग मिले जिन्होंने एक दिन में अपना फोन 80, 90 या फिर 100 बार तक अनलॉक किया। फोन से चिपके रहने की लत रिश्तों पर भी असर डालने लगी है। तमाम ऐसे रिसर्च के नतीजे आए हैं जहां पति या पत्नी की शिकायत होती है कि उनके पार्टनर उनसे ज्यादा फोन पर ध्यान देते हैं। उन्हें अपने पार्टनर का ध्यान अपनी ओर खींचने में दिक्कत हुई है। कुछ एक लोग तो रिस्क लेकर ड्राइविंग के दौरान भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, सोते वक्त भी फोन साथ रखते हैं। इसका असर नींद पर भी होता है। लेकिन सवाल है, आखिर फोन से चिपके रहने की ये बेचैनी क्यों होती है? संवाद के जितने भी तरीके हैं, लोग उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। इनमें टेक्स्ट मैसेज और ईमेल शामिल हैं, लेकिन सबसे अहम है सोशल मीडिया। हम बोरियत को लेकर अध्ययन कर रहे हैं और नतीजे हमें बताते हैं कि अब लोग बोरियत बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अपने फोन से कितना जुड़े हुए हैं। जब हमसे फोन ले लिए जाते हैं तब क्या होता है? लैरी रोजन अपने प्रयोग के आधार पर बताते हैं कि फोन से लगातार चिपके रहने वाले लोगों के फोन लेकर जब उन्हें दूसरे काम में लगाया गया तब फोन पर आने वाले हर मैसेज की आवाज से उनकी बेचैनी और दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई। लैरी रोजन कहते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये एक तथ्य है कि स्मार्टफोन को लेकर आसक्ति यानी फोन के बिना नहीं रह पाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, और जब वो फोन से अलग होते हैं तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन फोन हमें अपनी ओर खींचते क्यों है, आगे जानते हैं।
पार्ट टू, फोन से जुड़ा मनोविज्ञान। I'll find myself in an important board meeting. किसी महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग या फिर अपने विभाग की मीटिंग के दौरान मैं ये बखूबी जानती हूँ कि मेरे सहकर्मियों की निगाहें मुझ पर हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को फोन पर उंगलियां घुमाने और ईमेल चेक करने से नहीं रोक पाती हूँ। ये है हमारी दूसरी एक्सपर्ट नताशा शुल, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। नताशा को लगता है कि वो भी जरूरत से ज्यादा फोन इस्तेमाल करती है। नताशा जिस मामले की एक्सपर्ट है वो है किसी चीज की डिजाइन को समझना, जिसकी वजह से लोगों को उसकी लत लग जाती है। If you look at what is compelling to us as a species, किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींचने वाली चीजों की बात करें तो उनमें सेक्स, उनकी पसंद के दूसरे इंसान और अच्छा भोजन शामिल है, लेकिन अब इसमें कंप्यूटर तकनीक भी जुड़ गई है, ये भी अपनी ओर खींचती है और इसकी लत लग जाती है। लेकिन सवाल ये है कि लत क्यों लगती है? इस सवाल पर नताशा फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाने वाले B.F. स्किनर के प्रयोग पर गौर करने के लिए कहती है। स्किनर एक अमरीकी मनोवैज्ञानिक थे। इनाम और सजा का किसी के बर्ताव पर क्या असर होता है, ये जानने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। एक प्रयोग में उन्होंने कबूतरों को बक्सों में बंद किया, जिसमें एक लीवर दबाने पर बतौर इनाम खाना बाहर आता था। नताशा के मुताबिक इस प्रयोग में उत्सुकता जगाने वाली कोई बात नहीं थी। ये साफ था कि जब भूख लगी हो आप लीवर दबाइए और खाना आपको मिल जाएगा। स्किनर ने इसके बाद दूसरे प्रयोग भी किए। What he discovered in the 50s and 60s was the 1950 और 60 के दशक में उन्होंने ये पाया कि इनाम पाने की लत तब लगती है जब ये पता नहीं हो कि इनाम कितना मिलेगा और कब मिलेगा। जब कबूतरों को ये जानकारी थी कि लीवर दबाने से खाना मिल जाएगा तो वो भी उसे तभी दबाते थे जब भूख लगी हो, लेकिन अगर लीवर दबाने पर उन्हें कभी खाना मिले और कभी न मिले तो वो भी इससे चिपके रहेंगे और लगातार दबाते रहेंगे। स्किनर ने प्रयोग के जरिए इसी बात को समझाया। नताशा शुल ने एक किताब लिखी है, एडिक्शन बाय डिजाइन। उनका कहना है कि इंसान हो या फिर जानवर, अगर उन्हें ये जानकारी न हो कि इनाम में क्या मिलेगा तो वो खींचे चले आते हैं। स्किनर के शोध बताते हैं कि इनाम देने के तरीके से आप लोगों के बर्ताव को प्रभावित कर सकते हैं। स्लॉट मशीन बनाने वाले भी इसे जानते हैं। कैसीनो यानी जुआ घरों में सबसे ज्यादा मुनाफा स्लॉट मशीनों के जरिए ही आता है। नताशा कहती है कि स्लॉट मशीनों को फायदा लेने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, लेकिन क्या कबूतरों और स्लॉट मशीनों की स्मार्टफोन से भी कुछ समानता है? There's not so many steps of remove between a pigeon. खाना बाहर आने की उम्मीद में चोंच मारते कबूतर या फिर किसी कसीनो में बार बार स्लॉट मशीन का बटन दबाते जुआरी या फिर किसी ट्रेन में रोज यात्रा करने वाले शख्स का अपने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज देखना या फिर अपनी फेसबुक टाइमलाइन चेक करना, इनमें एक आम बात है। वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या आने वाला है। नताशा कहती है कि आप पाएंगे कि सभी के सामने करीब करीब एक सा लुभावना फंदा है। पार्ट थ्री, तकनीक की लत। So, a few years ago, I had this problem. कुछ बरस पहले मेरे साथ ये दिक्कत थी कि हर रात मैं बहुत देर से सोने जाता था। मेरे पास तकनीकी उपकरण होते थे, नींद पूरी करने के लिहाज से ये ठीक नहीं था, ये मेरे सेक्स लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं था। ये है हमारे तीसरे एक्सपर्ट नीर एयाल। वो एक लेखक और कामयाब उद्यमी है। उनके पास एक टेक स्टार्टअप चलाने का अनुभव भी है। ये गेमिंग और एडवर्टाइजिंग से जुड़ी कंपनी थी। हमने साल 2007 में कंपनी शुरू की थी। ये दोनों उद्योग यूजर्स के बदलते बर्ताव पर निर्भर करते हैं। मैंने पाया कि वहाँ तकनीक का काफी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन उनमें से किसी का जुड़ाव मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ नहीं था। नीर एयाल ने स्किनर जैसे लोगों के सिद्धांतों को तकनीक की दुनिया में लागू किया और परिणामों को एक किताब में दर्ज किया, हुक्ड, हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। नीर एयाल का कहना है कि उन्होंने शुरुआत नोटिफिकेशन के साथ की और फिर रिवॉर्ड देना शुरू किया। ईमेल में कभी अच्छी खबरें आती हैं तो कभी बुरी। ये एक तरह का रिवॉर्ड यानी इनाम है और लोग इसे लेकर अटकलें लगाते रहते हैं।
फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन भी हमें उकसाते रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट जैसे ऐप हम उत्सुकता के साथ खोलते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हमें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। The reason that we look at these devices as much as we do is no accident. हम किसी इत्तेफाक की वजह से फोन नहीं देखते। हम जानबूझकर ऐसा कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है कि जिस तकनीक को हम जेब में लिए घूम रहे होते हैं, वो रिवॉर्ड देने वाला उम्दा उपकरण है। रिवॉर्ड और फीचर को लेकर कंपनियां अलग अलग प्रयोग कर सकती हैं। ऐप को लगातार इस्तेमाल करने के मामले में हमारा फोन तमाम डेटा मुहैया कराता है। कंपनियां चाहती हैं कि हमें इन उत्पादों की लत पड़ जाए। Eventually, I begin to associate using a technology like email with feeling. मैंने बोरियत दूर करने के लिए ईमेल जैसी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो फेसबुक चेक करते हैं। जब किसी बात को लेकर हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाते तो हम गूगल देखते हैं। जब हम बोर हो रहे होते हैं तो यूट्यूब देखते हैं। हम अपने जरूरत के मुताबिक उनके उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। नीर एयाल कहते हैं कि हमें जकड़े रखने के लिए कंपनियां मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, और यही वजह है कि हम फोन से दूर नहीं रह पाते। वो ये भी कहते हैं कि हम वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जो हमारे काम के हैं। पार्ट 4, बदलाव का रास्ता। I worked in the tech industry for a very long time. Worked for Apple. मैंने तकनीक के क्षेत्र में लंबे वक्त तक काम किया है। मैं जब 18 साल का था तब एप्पल के लिए काम करता था। वहाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये है ट्रिस्टान हैरिस, हमारे चौथे एक्सपर्ट। करीब एक दशक पहले उनके स्टार्टअप ने इस बारे में जानकारी देना शुरू किया कि लोग वेबसाइट पर क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स पर ट्रायल किया। To help people learn about things and, in our words, put lighter fluid. इससे चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। लेकिन बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे हमारे ग्राहक तभी खुश होते थे जब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर तक उनकी वेबसाइट पर बनाए रखते थे। लेकिन इससे हमारे मकसद और हम जो कर रहे थे उसमें एक बड़ा अंतर दिखने लगा। हमारा मकसद लोगों को सीखने में मदद करने का था, जबकि हम उन्हें वेबसाइट पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिस्टान हैरिस कहते हैं कि चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वेबसाइट हो, मेडिटेशन ऐप हो, गेम हो या फिर फेसबुक ही क्यों ना हो, हर किसी को इस तरह बनाया गया है कि लोग उनकी तरफ खिंचे रहें। हैरिस कहते हैं कि तकनीक की लत को लोग अपनी गलती मानते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये जानकारी नहीं होती है कि स्क्रीन की दूसरी तरफ कई सौ या कई हजार लोग होते हैं जो इस कोशिश में होते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वो ये भी कहते हैं कि अब कामयाबी को लेकर सोच बदलने की जरूरत है। टाइम स्पेंट को टाइम वेल स्पेंट बनाने की जरूरत है। वो ये भी चाहते हैं कि एप्स की रेटिंग के लिए लोग नए तरीके आजमाएं। रेटिंग ऐप पर बिताए गए समय के बजाय उसकी उपयोगिता से तय हो। हम जानते हैं कि स्मार्टफोन के प्ले स्टोर को गूगल और एप्पल कंट्रोल करते हैं, और अगर तब्दीली लानी है तो इन्हें भी बड़े बदलाव करने होंगे। Something like what the organic movement was for the food industry. अगर आप खानपान उद्योग के ऑर्गेनिक मूवमेंट को देखें तो पाएंगे कि पहले सस्ता सामान उपलब्ध कराने की होड़ रहती थी, लेकिन ऑर्गेनिक मूवमेंट ने दिखाया कि खेल के नियम कैसे बदले जा सकते हैं। ऑर्गेनिक मूवमेंट ने लोगों को कीटनाशक से मुक्त सामान के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार किया। हैरिस तकनीक के क्षेत्र में भी ऐसे बदलाव की उम्मीद लगाए हैं। If I did that today, you would think no one likes that product, no one uses that product. अगर हम आज ऐसा करें तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं और पसंद करता हूं। लेकिन अगर समय के सही इस्तेमाल के लिहाज से उसकी रेटिंग की जाए तो हमें ये जानकारी हो सकेगी कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। हमें विशेषज्ञों ने बताया कि फोन किस तरह अपनी ओर हमें खींचते हैं, और इसकी वजह सिर्फ उनके उपयोगी फीचर नहीं है बल्कि टेक कंपनियों के वो फॉर्मूले हैं जिन्हें वो हमारा ध्यान खींचने के लिए आजमाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये तरीके इतने ताकतवर हैं कि उनसे मुकाबले के लिए हमें मदद की दरकार होगी, या फिर हमारी इच्छा शक्ति ही काफी होगी। इसका फैसला आपको ही करना है। लेकिन अगर आप फोन की लत से बचना चाहते हैं तो आपके लिए नीर एयाल का एक सुझाव है। वो कहते हैं कि फोन की नोटिफिकेशन सेटिंग बदलकर आप
बहुत सी दिक्कतों से बच सकते हैं।